में हम सबकी भूख काफ़ी बढ़ जाती है। हम बार बार किचन की तरफ दौड़ते हैं कि अभी हम क्या खाएं, थोड़ी देर में क्या खाएं। तो ऐसे में डायबिटिक लोग, जिनको कि डायबिटीज़ है, जिनकी ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट नहीं होनी चाहिए, उनको बार बार क्या खाना चाहिए, क्योंकि विंटर्स में उनको भी काफ़ी भूख लगती है। और अगर आप कुछ गलत खाते हैं तो आपके शुगर लेवल फ्लक्चुएट करते हैं, जो कि आपकी हेल्थ के लिए नुकसान करते हैं। तो सब लोगों के लिए हमारी सजेशन है जिनको डायबिटीज़ है कि आप 5 मील्स लीजिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और उसके अलावा मिड मॉर्निंग और इवनिंग, और उसमें आपने हेल्दी स्नैक्स लेने हैं, जैसे कि आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप भेलपूड़ी ले सकते हैं, आप चना, काला चना या सफ़ेद चना, उनका आप सैलड बना सकते हैं। और विंटर्स में जो इतनी सब्जियां अवेलेबल हैं, जैसे कि स्पिनच, कैरेट, इन सबको आप वेजिटेबल सूप के रूप में इस्तेमाल करिए, जिससे कि आपको न्यूट्रिशन भी मिले और साथ साथ आपका पेट भी भरे। आप अगर ये सब चीज़ें टाइमली और हर 2-2.5 घंटे के इंटरवल के बाद लेते हैं तो आप कुछ गलत भी नहीं खाएंगे, आपकी शुगर भी कंट्रोल में रहेगी, साथ साथ आपको न्यूट्रिशन भी मिलेगा। इसके अलावा जो डायबिटिक लोगों का स्वीट टूथ है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए, जो कि कैरेट मार्केट में अवेलेबल है विंटर्स में ही, तो आप कैरेट की खीर बना सकते हैं। उसमें शुगर की जगह आप शुगर सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल करिए, जिससे कि आपकी ब्लड शुगर अंडर कंट्रोल रहे और आपका स्वीट टूथ भी क्रेविंग खत्म हो जाए।